हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को गाउट के बारे में बताएंगे। तो गाउट को हिंदी में गठिया कहते हैं। तो आप कैसे समझिएगा कि हमें गठिया हो गया है? तो हम मोटा मोटी भाषा में आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरह समझिएगा कि हमें गठिया है। तो गाउट में स्पेशली होता क्या है, हमें गठिया में होता स्पेशली क्या है? तो छोटे छोटे जो ज्वाइंट हैं उसमें पेन के साथ फीलिंग होता है। गाउट का लक्षण आ रहा है, लेकिन आप पकड़ेंगे कैसे कि गाउट मेरे को है? तो आप बस मोटा मोटे पकड़िए कि पैर के अंगूठे से ये जो दर्द है शुरुआत होता है और पूरा हाथ के फिंगर में और पैर में दर्द जो है स्टार्ट है, तो समझना चाहिए कि हमें गाउट। तो गाउट गठिया जो है किस रीजन से होता है, इसे भी आप मोटा मोटी जानिए। तो उसका रीजन तो बहुत सारा है, साइंटिफिक रीजन तो एक से एक है वो सारी चीज़, लेकिन आप इतना जान जाए कि अगर ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन ले रहे हैं तो उससे भी होता है। दूसरा चीज़ है जेनेटिकल प्रॉब्लम भी है गाउट का, और गाउट का एलोपैथिक में वैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है गाउट का, जो 100% इसका इलाज है होम्योपैथिक। तो अब गाउट में होता क्या है, तो इसमें यूरिक एसिड हाई आपका हो जाता है। अब यूरिक एसिड हाई हो जाने के कारण ही पेन और स्वेलिंग, कभी कभी फीवर भी आता है, ये स्टार्ट हो जाता है। आपके हाथ के छोटे छोटे पोर में, पैर के उंगलियों में ये सब दर्द शुरू हो जाता है, पैर में हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है। ये शुरुआती लक्षण, उसके बाद और भयानक पेन होता है। तो इसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही बेटर काम करती है। फर्स्टली तो एक मेडिसिन है बर्बेरिस पेंटार्कन। तो ये बर्बेरिस पेंटार्कन स्वाबिक कंपनी के है, जो बहुत ही बेटर है, जर्मन टाइप की मेडिसिन है और बहुत ही बेटर काम करती है। इसे आप 2 गोली सुबह लें खाली पेट में, खाना के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद सुबह ले लें, और 2 गोली शाम लें खाली पेट में, दो गोली खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद। और उसके बाद एक मेडिसिन और है, इसे कहते हैं आर्टिका यूरेनस की वो मदर टिंचर। इसे आप 10 से 15 गुण आधा कप पानी में सुबह और शाम 2 बार पिए और 2-2 गोली इसे खाएं। सुबह में इसे आप 10 से 15 गुण इसे आप पी ले सकते हैं, पीजिए, और शाम को ही पी सकते हैं। और उसके बाद बर्बेरिस पेंटार्कन जो है खाने के 1 घंटा पहले खाली पेट में खा लेना, उसके बाद 1 घंटा खाना खाना है, शाम को भी यहीं जी रहे खाली पेट। बस दवा का अंतर ही रखना है कि 10 मिनट के, अगर तुरंत खाना है तो 10 मिनट या 15 मिनट के गैप करके ही दवा का अंतर रखे। लेकिन आप सवेरे आप उठ के आप बर्बेरिस पेंटार्कन आप ले सकते हैं 15 बूंद सुबह ताज़ा कप ताज़ा सुसुम पानी में, और खाना खाने के 1 घंटा पहले 2 गोली सुबह ही ले लें या 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को भी ले लें। तो बहुत ही बढ़िया ये मेडिसिन है गाउट का, और गाउट का होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो आज हम आप लोगों को गाउट के बारे में बताया। तो गाउट को ऐसे तो बहुत, अगर उसका डिफिनेशन दीजिएगा तो बहुत सारा डिफिनेशन, वैसे आप समझ नहीं सकते हैं। तो गाउट के बारे में अगर हल्का गाउट है तो इसका भी जरूरत नहीं, बर्बेरिस पेंटार्कन इसका भी जरूरत नहीं पड़ता है। बस आप ये आर्टिका यूरेनस जो मेडिसिन है इसे आप 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम लें, और इसके साथ एक दवा और है, उस दवा का नाम है रस्टक्स। कौन मेडिसिन है रस्टक्स? आप 4 गुण सुबह ले लें और 4 गुण शाम ले लें, और उसके बाद उसके 10 मिनट के बाद आर्टिका यूरेनस भी। अगर इस दवा को अगर हल्का है तो उससे भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा है तो आप कुछ नहीं, आप आर्टिका यूरेनस सुबह शाम पिए, लेकिन बर्बेरिस पेंटार्कन खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद सुबह शाम लें, बहुत ही बेटर काम करेगा। तो 2 मेडिसिन बताया गाउट का जो बहुत ही बेटर काम करती है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसा वीडियो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो गाउट का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट।